अब देखिए यहाँ बिजनेस इंग्लिश यूज इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट सच एज इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बुकिंग एंड मेनी ऑफिस सेटिंग्स। जो बिजनेस इंग्लिश होती है इसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में, कॉमर्स में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस, बुकिंग या कई सारे ऑफिस सेटिंग्स में इसको यूज किया जाता है। द लेवल ऑफ बिजनेस इंग्लिश इज C1। देखिए यहाँ पर जो बिजनेस इंग्लिश का लेवल होता है वो C1 लेवल होता है। अब ये C1 लेवल क्या है, देखो किसी भी लैंग्वेज पर अगर कमांड पाना है तो किसी भी लैंग्वेज पर कमांड पाने के लिए 6 लेवल लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। यहाँ पर देखिए 6 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स फॉर मेजरिंग बिजनेस इंग्लिश स्किल्स। तो लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी के लिए 6 लैंग्वेज लेवल्स होते हैं, 6 लेवल्स होते हैं। जैसे A1 लेवल जो होता है बिगनर होता है, ओके। A2 लेवल जो होता है, A1 लेवल बिगनर होता है, A2 लेवल एलिमेंट्री होता है, B1 लेवल जो है इंटरमीडिएट होता है, B2 लेवल जो है अपर इंटरमीडिएट होता है, C1 लेवल जो है एडवांस्ड होता है और C2 लेवल जो है प्रोफिशिएंट होता है। तो ये जो बिजनेस लैंग्वेज बिजनेस इंग्लिश है ये C1 लेवल की है। C1 लेवल का मतलब एडवांस लेवल की है, ठीक है। और ये चीज़ डिसाइड किया गया है CEFR के द्वारा, मतलब ये जो 6 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स हैं इसको मैंने नहीं बनाया, ये चीज़ CEFR के द्वारा है, कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस, ठीक। कॉमन, अच्छा एक चीज़ तो यहाँ छूट गया, सॉरी भाई, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज होगा। यहाँ पर कॉमन के बाद यूरोपियन रहना चाहिए। सी से होगा कॉमन, ई से होगा यूरोपियन, एफ से होगा फ्रेमवर्क और आर से होगा रेफरेंस। इसका मतलब जो यूरोपियन लैंग्वेज हैं उनको मेजर करने की 6 स्किल्स हैं, इसलिए इसका नाम कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस रखा गया। A1 बिगनर है, A2 एलिमेंट्री है, B1 इंटरमीडिएट है, B2 अपर इंटरमीडिएट, C1 एडवांस्ड, C2 प्रोफिशिएंट। इसी के बेस पर लोग अपने आप को जज करते हैं हमारा कौन सा लेवल है, उसके अनुसार काम करना है, क्लियर। तो ये चीज़ है आपका बिजनेस इंग्लिश, एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट। देखो ये सिंपल सा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बुकिंग या कई सारे ऑफिस सेटिंग में। इसका लेवल C1 है और 6 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल्स हैं और इसको मेजरिंग बिजनेस इंग्लिश को मेजर करना है। तो जैसे A1 में बिगनर लेवल है, A2 एलिमेंट्री है, B1 इंटरमीडिएट, पहले बिगनर फिर एलिमेंट्री है, B1 क्या इंटरमीडिएट, B2 अपर इंटरमीडिएट, C1 एडवांस्ड है और C2 जो है प्रोफिशिएंट लेवल है। ये है CEFR, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज।